थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा, पूछना आपको फर्ज है, पूछते हो जब समझता है, जिसको समझ में आता है वही तो पूछता है, ठीक है। और जो टीचर बताता नहीं है वो टीचर या तो उसका दिमाग खराब है या तो वो पागल है। बच्चे पढ़ने के लिए क्यों आते हैं, फिर वो घर पे नहीं पढ़ लेते इससे अच्छा। इसको माइनस करेंगे बेटा कितना जाएगा, 900 एक्स इज इक्वल टू, इसको माइनस करो बेटा, देखो जरा मैं करता हूं जरा, 235.555, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, 23.5555, आगे भी 5, तो ये जीरो हो जाएंगे ना, देखो ये सब जीरो हो गए जीरो बेटा, ठीक है, हो गए कि नहीं हो गए सब जीरो। अब मेरे पास सिर्फ जे बचे, जरा yes, सुनो, 5 में से 3 गया 2 बचा, 3 में से 1 2 गया 1 बचा, और 2 तो जीरो है, 212 और तो क्या जाएगा, 212 आ जाएगा, आ गया। यस सर। तो अपन क्या लिख लेंगे, देखो जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, x is equal to 212 upon 900 बेटा, सही बात है, 900 बस सर। अभी काट देंगे, अब क्यों काटेंगे, जगह कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं वो आपस में, ठीक है ना, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा, आराम से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करा रहा हूँ मैं। कट जाएगा सर, कट तो जाए, कैसे कट रहा बताओ, कट तो जाए सर, 2 से सर, 2 से 2 से काट दो, तो कट रहा है तो सर, ऊपर वाला 106 और 16 450 16 ऊपर का 16 नहीं ऊपर का 16 आएगा, ऊपर का 16 भूल गए, लो लड़ो नहीं, जीरो खा गए, ले 2 1 2 0 2 6 12, ठीक है, और 2 4 8 415 106 अपॉन 450। हाँ गौरी बेटा क्या कह रहे, गौरी क्या कह रहे सर, आपने सर जो आपने पहले वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें आपने जो एक्स इक्वल्स टू डायरेक्ट लिया तो फर्स्ट इक्वेशन मांगी थी, और जो लास्ट वाला था वो सेकंड इक्वेशन मानी थी, बट इसमें आपने लास्ट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट माना है बेटा, मैं वही समझा रहा हूँ, देखो जरा, बस वही चीज समझा रहा हूँ, देखो बेटा पूछो कोई दिक्कत नहीं, देखो जरा ये पॉइंट के बाद के नंबर जरा ध्यान दो बेटा, यहाँ पर बात पे ध्यान दो, मेरी बात पे ध्यान दो, यहाँ पर जरा एक बात पे ध्यान दो, सब यहाँ पर देखना बेटा, देखो ये पॉइंट के बाद के नंबर अगर हमें जल्दी जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है सेम, और नहीं मिलेंगे तो हमें आगे मल्टीप्लाई बाई 10 करना ही पड़ेगा। अब आई समझ में बात, सिर्फ हमें पॉइंट के बाद के नंबर सेम चाहिए बस, और कुछ मतलब नहीं है करने का इसमें, ठीक है, सिर्फ पॉइंट के बाद के नंबर। हाँ ठीक है सर, नोट कर लीजिए। सर ये और भी तो कटेगा, कटेगा और भी कटेगा, और काट लेते हैं 53 अपॉन 175 बेटा, कट काट तो दिन दो पहले, 2 2 4 2 2 4 और 2 5 10, अब नहीं कटेगा, ठीक है, अब नहीं कटेगा, एक्स इज इक्वल टू 53 और नीचे 225। ओ ओ सर गलत आंसर भेज दी, गलत आंसर भेज दी, देख लो सर रॉन्ग आंसर भेज दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं बेटा, हो गया सबका, आगे चले, नोट हो गया सबका, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, आगे चलते हैं भैया। जे यहाँ पर कोई नहीं, ये चीज कोई नहीं मत देखना कि सर 10 से मल्टीप्लाई कितनी बार कर रहे हैं, बस यहाँ पर ये चीज देखना सर 10 से मल्टीप्लाई जब तक कर रहे हैं दो इक्वेशनों को सेम लाने के लिए पॉइंट के बाद से, ठीक है, बस पॉइंट के बाद सेम आ गई, अपना काम हो गया, जहाँ जीरो हो गया अपना, तो बस जीरो बनाने का आदत है इसमें, तो जीरो बनाने में पॉइंट के बाद की बस। सर हाँ बेटा बोलो, सर हाँ बेटा, सर आज के पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है, किसका है आज सर, मैथ्स का टेस्ट है, कहाँ पर, यस सर कहाँ पर टेस्ट, सर यूनिट टेस्ट है, कहाँ पर टेस्ट, ब्लू बेल्स आज टेस्ट है,
यस सर यस सर पॉलिनोमियल्स 530 पे यस सर यस सर सर कर लिया पॉलिनोमियल्स कर लिया पूरा पूरा कर लिया वेरी गुड अच्छी बात है मुझे तो अभी इसे पढ़ा रहा हूँ तुझे पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ यस सर ब्लू बेल में टेस्ट कैसे ले रहे हैं तुम लोग से ये टेस्ट कैसे ले रहे हैं मतलब तुम लोग तो घर पे हो टेस्ट कैसे हो सर सर वेबसाइट भेज दे रहा है वेबसाइट भेज दे रहा है उससे सर उस पे वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर उसमें चूज द करेक्ट वो सिलेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप के आते हैं उसमें अच्छा तो सर 10 मार्क्स के होते हैं अगर आपने एक बार लिंक बंद कर दी तो फिर आप दोबारा टेस्ट नहीं दे पाएंगे अच्छा मतलब और अगर कोई चीटिंग करना चाहे तो नहीं कर सकता नो सर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है भाई चलिए बेटा थर्ड वाला ये वाला करते फोर्थ वाला क्या क्वेश्चन है 0.586 बार ठीक है 0.586 बार जी कौन करके दिखाया करके दिखाइए हम करके दिखाइए करके दिखाइए मैं सर 86 के ऊपर बार है ना हां 86 के ऊपर बार है बेटा करके दिखाइए अपन नहीं पाया ना दूसरे वहां पर बेटा करके दिखाओ बातें नहीं करो घर पे हो तो बातें नहीं करो कुछ करके देखो कोशिश करके देखो आदि नहीं भेजी वाला तो भेजी वाला को भेजी नहीं है बस सेटा ही नहीं बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग कर नहीं पाए बातें कर रहे हो घर में यार बातें क्यों कर रहे हो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करिए हो गया क्या आया बेटा आंसर कितना आया 58/99 कितना आया 58/99 ये यस सर और किसका आ रहा है तुम लोग ध्यान से ही दिख रहे हैं घर वालों से बातें कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो ठीक है ऐसे पढ़ाई कभी नहीं होती ठीक है ऐसे क्लास डिस्टर्ब होती है और घर वालों से भी कहो कि बच्चे अब तक पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स तो उनसे भी को थोड़ा दूर रहे बच्चों से तो भाई आवाज ना आए घर में थोड़ी बात बात की बात करना है एक घंटे के बाद खूब करते रहिए बात बेटा जिसका भी आंसर आ रहे हैं गलत आ रहे हैं ध्यान दीजिए आप लोग इसलिए कह रहा हूं तो मैथमेटिक्स को सीरियसली लीजिए यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 0.586 हाँ हाँ ठीक है आंसर सही लेके आना चाहिए अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड दोनों साइड किया तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 5.8
5.8 5 6 8 6 8 6 अभी भी 5 है यहाँ पर 8 है, माइनस होगा 0 नहीं आएगा, यानी कि हमें और आगे जाना है, ठीक है? Yes, हमें और आगे जाना है। यस सर। मल्टीप्लाई बोथ साइड, आने ना बेटा, वाई 10 है ना, बोलो बेटा, बोथ साइड वाई 10, क्या 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 हो जाएगा, 100 x इज इक्वल टू 5 8.6868 68 और 68 68 68, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके इसके बाद जरा ध्यान रखना, अभी भी क्या है, नहीं है सेम, ये भी सेम नहीं है, और मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड, सब ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन, अगले दो क्वेश्चन आपके टेस्ट हैं, ध्यान रखना ये बात, बाय 10 बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई फिर किया हमने, तो 1000x इज इक्वल टू 5 8 6.8686 86 86, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा, 8686 यहां मिल रहा है हमें, और 8686 यहां मिल रहा है हमें, तो हम मान लेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, ध्यान दो जरा यहां पर 5.86, ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इस चीज को कोई भूलना नहीं। ये देखो 5.8686 यहां मिल गया और हमें यहाँ पर मिल गया, दो जगह मिल गया हमें, बताओ, एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया, दो जगह मिला, हम इसको ले लेंगे आराम से, फिर क्या हो जाएगा, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सबट्रैक्ट करेंगे या फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो जरा, 1000x माइनस का 10x इज इक्वल टू 5 8 6.8686, आगे भी 86 आएगा, इसको माइनस कर देंगे किससे, 5.8686, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा देखो जरा, जब हम 1000 को 10 माइनस करेंगे तो 099 क्या हो जाएगा, 990x इज इक्वल टू, और जब 5.8686 आगे ऐसे जाता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5.8686 आगे जाता जाएगा, इसको माइनस कर देंगे 000.185, तो कितना गया 581, ये आ गया आपके सामने, इसको सब मिटा दो, कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास, x इज इक्वल टू 581/990, ये आपका आंसर होगा, ये करने का तरीका है सर, समझ में आया सर? यस सर, यस सर, सबको आ गया समझ में, इसको नहीं आया हैंड रेज कर दो अपना, आ गया, आ गया बेटा सबको, वेरी गुड, क्वेश्चन आ जाते ना बच्चों को तो सर जो मास्टर होता है उसको बहुत तसल्ली मिलती बेटा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखो, तो आप लोगों को समझ में आ जाता है, इससे खुशी की बात मेरे कुछ नहीं हो सकती, बेटा समझा, समझो अच्छी तरह से, तो मेरा आ रहा था, हाँ बेटा, आपके स्कूलों में, सबके स्कूलों में एनसीईआरटी चल रही है बुक? यस सर, यस सर, ब्लूवेल्स भी क्या सीबीएसई है सर? दोनों है, सीबीएसई आईसीएसई, तो उसमें सीबीएसई आईसीएसई दोनों में से कोई भी चॉइस करके दे सकते हो, ऐसा है? यस सर, सर सीबीएसई में सर आरडी शर्मा चल रही है और एनसीईआरटी, अच्छा
आरडी शर्मा चल रही है। यस सर, आईसीएसई में सर वो वाली चल रही है, एनसीईआरटी और एक एस चंद वाली। इसमें आईसीएसई में कौन चल रही है बेटा? एस चांद की और एनसीईआरटी वाला जी वाली। वो वाली चल रही, सैली ना चल रही होगी? एस नहीं सर, एस चंद। एस चंद की चल रही, सैली ना चल रही, वैसे नॉर्मली ज्यादा स्कूल में। नहीं हम गए थे सर, हमने सर दोनों की जानकारी ली थी। चलो ठीक है, चलो ठीक है बेटा, जिसका हो जाए तो उसको जवाला क्वेश्चन करना है 0.35 बार करके दिखाओ जरा। आरडी शर्मा का क्वेश्चन है जी, करिए जल्दी सर। कौन सा? 0.35 बार आरडी शर्मा बुक का, ये आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, करिए। यस सर, हो जाएगा ये तो। अरे हो जाएगा, वो तो बात अलग है, पहले करके तो दिखाइए। इसको लिख लिए फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में। सर किसके फॉर्म में? अरे यही करना है बेटा, फ्रैक्शन। जी फ्रैक्शन दिखा मैंने, यही फॉर्म में कन्वर्ट करिए डेसिमल टू। क्या पढ़ रहे हैं अपन? कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो अपन कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन का, जो मैंने मेथड बताया इस मेथड से करिए बेटा। मैं आरडी शर्मा लेके बैठा हूँ आपके फॉर्म में। मुझे सबसे अच्छी किताब लगती है, सबसे अच्छा बोर्ड लगता है सीबीएसई, सबसे अच्छा बोर्ड। उसमें क्या है, सब सिस्टमैटिक है। और आईसीएसई बोर्ड में पता नहीं है, दुनिया भर के क्वेश्चन भरे हैं लेकिन एक क्वेश्चन का ऐसा कॉन्सेप्ट सही नहीं रहता। यस सर, दुनिया भर के भरे हैं सर। अब वही चीज तुम बोल दो। लगाइए सब ज्यादा क्वेश्चन। किसको ढंग से समझ में नहीं आया मेरे को बता दो, बस मैं इतना पूछ रहा हूं। जिसको समझ में नहीं आया प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं उस बच्चे से कि मेरे को बता दे, क्योंकि एक भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो मेरे को गुस्सा आ जाएगी। बस समझ में नहीं आया तो बता दे, वो मैं उसको दोबारा समझाऊंगा मिटा के बिल्कुल। और बिगर समझे हुए मेरी क्लास से गया और कल मैंने टेस्ट ले लिया इस चीज का, तो फिर ध्यान रखना। जिसको भी समझ में नहीं आया फिर से पूछ ले, मैं 10 बार बताऊंगा उस बच्चे को। लेकिन मेरे से कभी गद्दारी नहीं करना कि तुम्हें समझ में नहीं आया और तुम झूठ बोल के चलेगा यहां से। झूठ बोल के कोई नहीं जाएगा क्लास में से, कोई नहीं निकलेगा। माँ बाप पैसे दे रहे हैं तो उनके पैसे को सम्मान करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो, ठीक है? वो पैसे कैसे कमाते हैं आपको नहीं पता, इसलिए पैसे की इज्जत करो और अच्छे नंबरों से पास हो और कभी झूठ नहीं बोलो। क्या मैं समझ में आ गया? हाँ बेटा सर। 35/99 किस किस का आ रहा? 35/99 सर मेरा, तो चैट में भी भेज दिया। चैट पे भेज दिया, देखता हूँ। हाँ सबका देखता हूँ। 35/99 बच्चों का आया है, तो जिसका भी आया है वो सही है। कृष्णकांत पटेल क्या कर रहे हो? 58/99 क्यों आएगा सर? वो तो सर दूसरा वाला था सर, वो गलत। तो उसमें भी 35/99 सही आया, जिसका भी 35/99 आया, यानी कि समझ बच्चों को आया। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओगे मेरे को बच्चों? जल्दी करके दिखाओगे, करके दिखाओ जल्दी से। 0.585 बार, ये भी आरडी शर्मा का है, करके दिखाइए। सर कौन सा? ये नीचे दिख रहा है गोले में, हाँ ये करके दिखाइए। सर सभी बार पे है ना? हाँ पूरे सब पे बार है इसमें। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल। और बेटा जब भी आप ऐसा करो ना, इसको सॉल्व माइनस करो तो यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगा लेना ऐसे, ये ब्रैकेट, ठीक है? ये ब्रैकेट जरूर लगा लेना करे, क्योंकि क्या रहता है ना डॉट 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 से माइनस का बेइज्जती हो जाती माइनस की, इसलिए। सबने से कर लिया होगा सॉल्व, सबको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा दूं फिर मैं, इस सामने भी मतलब मैं तरफ कर दीजिए। बच्चों को ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं तो मैं कर देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा सबको टफ लग रहा होगा ज्यादा क्वेश्चन।
देखते कौन बच्चा करके नहीं आता। इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए होमवर्क के लिए क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन लगाने ही आपको। ये होमवर्क के आपका ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कौन से लिखूं, लिखता हूं। इसमें आप करके लेके आएंगे कल घर से 1.27 बार फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आप करके लेके आएंगे 0.9 बार, ठीक है। थर्ड आप करके लेके आएंगे, सब आर डी शर्मा के हैं, क्वेश्चन दे रहा हूं। किसका आ गया बच्चे ने मैसेज कर रहा है, 5 मैसेज आ चुके हैं। 585/99 वेरी गुड बेटा। किसका आ गया, अभी का आया, गौरी का आया, राशि का आ गया, कृष्णकांत का भी आ गया, नैना का भी आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे करते रहोगे तो वाकई में टॉप कर जाओगे। बस ध्यान देते रहो क्लास में, क्लास में सर जो पढ़ाते हैं उस चीज पे ध्यान दो आप लोग बस। फोर्थ क्वेश्चन है आर डी शर्मा का, 23.43 बार क्वेश्चन हो गए। होमवर्क में चेक करूंगा कल सबकी कॉपी में, वीडियो कॉलिंग से कॉपी चेक कर लूंगा, तो ध्यान रखना। मजाक नहीं कर रहा मैं, सच बोल रहा हूँ। हमें कॉपी चेक कर लूंगा। कल आखिरी क्लास है क्या सर? कल कई क्लास है, क्या कह रहे क्लास है? कल की क्लास है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहा है? पूछ रहा कल आपकी क्लास है या नहीं है। क्यों नहीं होगी मेरी क्लास, मेरी क्लास डेली रहेगी भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थोड़ा यार कि मेरी एक एक क्लास, एक दिन क्लास नहीं रहेगी। मेरी क्लास डेली रहेगी भैया, मैथ्स का सिलेबस ज्यादा होता है, मैथ वाले सर मैथ की वजह से तो इंसान ट्यूशन ढूंढता है ना, कि मैथ वाले सर अच्छे मिल जाए, बस मैथ वाले सर अच्छे मिल जाए। ये मैथ वाले सर तो अच्छे मिल जाते लेकिन बच्चे नहीं करते उतनी मेहनत। सर आंसर आ गया, सबके आ गए सर, यस सर चैट पे भेज दिया। अच्छा तो बेटा रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया आप लोगों ने फिर सबने? यस सर। देख लेना मैडम क्या कहती है, लेकिन भैया मैथ की क्लास तो मेरी डेली चलती है, ठीक है। ये सब होमवर्क के क्वेश्चन है जो आपको करके लेके आना है, होमवर्क वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसका स्कोर है, हाँ बस 4 क्वेश्चन दिए मैंने आर डी शर्मा के आंसर, ठीक है बेटा। ये सारे 4 क्वेश्चन आओ करके लेके आना घर से। ये दोनों आ गए फिर, कितना बताना जरा, 0.35 बार का क्या आंसर आया था बेटा, बताइए कौन बताएगा? 0.35 बार क्या आंसर आया था? 35/99 और 0. क्या था दूसरा? 585/999 ये था ना क्वेश्चन, इसका क्या आया 585/999 ठीक है। चलिए बेटा ओके, थैंक यू बेटा, ओके बाय बाय सर। बेटा ये करके लेके आना सबको, ठीक है ना, ध्यान से जो मैंने दिया हुआ सबको करके लेके आना ध्यान से, ठीक है ओके बेटा। यस सर। चलिए बाय, ओके बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मम्मी।
नहीं आगे जो होमवर्क दिया मैथ का ही बिल्कुल।